नजर पड़ो बेटा नजर ले ले ऐसा मालूम होता है जैसे अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है। हाँ, कुछ रास्ता दिखाई देता है, कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता। आखिर पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? जो इस किताब में दिखाया बोलता वही पढ़ रहा है। क्या लिखा है किताब में? क्या लिखा? अरे ये गजल हो रही या कौरवों पांडवों की जंग? आज ही मैं इंस्पेक्टर साहब को लिख करके देता हूँ कि ये कौरवों पांडवों की जंग बंद करो। अरे पापा, कोई एक जबान अख्तियार कर लो। आखिर इस मुल्क में ये सैकड़ों जबानों की खिचड़ी कब तक पकते रहेंगी? अच्छा एक काम करो, मेरे अपने जाती इख्तियार की बिना पर यह गजल भी कोर से खारिज। ये आपके जाती इख्तियार में हो? हाँ, हमारे जाती इख्तियार है। जानता तो भी की बोली शायद। हाँ देख रहे, पढ़ने के नाम के साथ ही कितनी खुशी आती है चेहरे पे। हाँ। अरे तू है तू तमचू तू। हाँ बकर, आप गजल पढ़िए गजल। लूट कर मतलब के बगैर कोई काम नहीं था दुनिया में। प्यारे बच्चों जी, जरा सोने दो रे। अजी मतलब समझाइए, बताओ मतलब। दरअसल ये अशआर मरहूम की शान में लिखे गए। अजी कौन बनो? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरी मरहूम। किसने लिखे? खुद मरहूम ने। मरहूम की शान में खुद मरहूम ने। क्यों लिखे? क्यों लिखे? क्यों लिखे? हाँ नहीं नहीं, उनकी मर्जी। दरअसल सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरी मरहूम जब सिंध के शहरों को लूट कर जंगल छुप जाया करते थे तो सिंध की पुलिस उन्हें ढूंढते हुए जंगल 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 ये गाते हुए कहती थी। जरा खान साहब को पूछ, पढ़ने लिखने की तरफ तबीयत मायल है। खान साहब? अरे अरे रंदे बाबा रंदे भाई, पूछ ले तो। खान साहब जरा अदब से पूछना पड़ता। खान साहब? ओके। अरे 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 खान साहब कुछ नहीं, खान साहब कुछ नहीं। आज ऐसा दिख रहा है ये पढ़ने की तरफ तबीयत मायल है खान साहब, ऐसे रहो छोड़ दे उनको। मॉनिटर जी मास्टर, चल अब तू गजल पढ़। सुन ले गोरी, तूने चोरी चोरी
बस 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 अरे भाई के मना जाए प्यारे बच्चों जी खुदा की कसम आंखों में आशिकी का नक्शा फिर गया। वाह 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 वाह। हाँ इन अशार में आशिकी अपने इंतहा को पहुंची हुई इंतहा को। वाह 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 वाह। हाँ शायर कहता है धक धक धक। हाँ तो ये बताओ ये धक धक का है क्या आवाज है? मुझे तो ये किसी उस तरह देश का नहीं की आवाज लगती है मोनी साहब। अरे हज्जाम की औलाद हज्जाम के जहन में उस तरह तेज करने की चावाए देंगे। और किसी आती कम बखत मॉनिटर जी मास्टर तू बोल। मुझे तो ये किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज मालूम होती है। हाँ ये आवाज किसी के दरवाजा खटखटाने की है। यानी आजकल कोई पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हाँ दस्तक दे रहा है। हाँ तो ये बताओ ये बताओ ये दस्तक देने वाला कौन है? मेरा ख्याल से तो अमेरिका होगा या तो रूस होगा। अरे हज्जाम की औलाद मैं कह रहा हूँ ये आशिकी के अशआर है और तू उस पे सियासत का उस तरह फिरा रहा। कमबख्त सियासत का उस तरह फिराता। मान कर तू होता माने डर को भी ना मानो। हाँ अरे बाबा दरअसल ये उस तरह फिराने की जो आवाज है ये ऐसी नहीं है। ना अमेरिका है ना अमेरिका ना रूस ना फूस। अरे वक्त पे कौन किसके काम आता कम वक्त। हाँ अरे बाबा आजकल ये जो दस्तक देने वाला चीज है इस चीज का नाम है उसकी कम वक्ती। यानी आजकल पाकिस्तान के दरवाजे पर उसकी कमबख्ती दस्तक दे रही है और वो उसे अपनी महबूबा समझकर ये कह रहा है सुन ले ओ गोरी और तूने चोरी चोरी दिल की कहानी आंखों की जबानी कह दे सनम से अपने सनम से अपने। हाँ सनम को पकड़ लो। ओ क्या करती को पकड़ लो। ए ओ क्या करती। अरे हम कहती छोड़ो सनम को छोड़ो। अरे अरे छोड़ देता हूँ उर्दू को छोड़ देता हूँ। चलो बाबा चलो माँ बच्चे। हाँ तो शायरी खत्म हिसाब चालू ठीक है। तो लिखो एक दो तीन आया। अरे बाबा एक दो तीन बाबा शायरी खत्म हो गई हिसाब शुरू हुआ खत्म हो गई। मोर साहब चलने देना था ईमान से बड़ा मजा आ रहा था। बड़ा मजा आ रहा था। ये मुसलमान कौम को गाना होना बजाना होना नाचना होना हिसाब का नाम आते ही क्या है हिसाब का नाम आते ही मौलवी साहब और मुझे क्या है तो एक काम करो हिंदुस्तानी और हिसाब के मुताबिक एक सवाल हल करो। काम क्या दो पढ़ सुन ले पढ़। हाँ एक सवाल हल करो लिखो लिखो अच्छे से। अगर 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 कोई नहीं बोलेगा सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 मैं कह चुका हूँ कोई नहीं बोलेगा सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 पत्ती की औलाद अगर पत्ती की औलाद मैं कब से कह रहा हूँ कोई नहीं बोलेगा सिर्फ मॉनिटर बोलेगा फिर भी अगर 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 हाँ मॉनिटर जी मास्टर कर दे इसका कर हाँ तो लिखो लिखो अगर 12 साल में अब बोलो
अगर 12 साल में अगर 12 साल के एक रिंग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है एक रिंग रोड हाँ जी अल्लाह का नाम लीजिए वो साहब बहुत पसंद था बसाई जा सकती है मैं हिसाब का सवाल हल कर हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूँ तू तो पॉलिसी पे बहस करता है मदरसा मदरसा अपन करा नहीं करा तुम बहुत कहेंगे देखो अगर 12 साल में अगर 12 साल में एक रिंग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है एक रिंग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो बताओ 24 साल में कितने 24 साल में कितने हाँ सवाल बड़ा है मैं बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता देखो बताओ 12 साल में अगर एक रिंग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 साल में कितने जरा दिमाग का इस्तेमाल करो 24 साल में बताओ बेटे अगर 12 साल में एक रिंग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 साल दो हाँ सही है ना रुको 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 फंस गया खलीफा देखो बाबा इसी सिलसिले का एक और सवाल है वो भी आप ही हल करेंगे हाँ देखो सवाल कुछ ऐसा है आप लोग फिल करो सवाल कुछ ऐसा है देखो अगर एक कॉलोनी में 12,000 मकान ताबीर किए जा सकते हैं एक कॉलोनी में 12,000 मकान तो बताओ दो में कितने हाँ देखो ये सवाल भी बड़ा है मैं बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता अगर एक कॉलोनी में 12,000 तो दो में कितने हाँ देखो समझदारी से करो मैं बोलो हाँ बोलो बेटा अगर एक कॉलोनी में 12,000 तो दो में छे अरे अरे मकर जुजाब पे अकल निकाल रहा अरे जरा तो अकल से काम ले अरे मौलवी साहब कभी कहते हो जुजाब कभी कहते हो अकल आखिर काम किससे ले अरे बाबा मैं क्या कह रहा हूँ एक कालू अरे मौलवी साहब घर मकान तकसीम होते हैं दड़प थोड़ी होते हैं मुझे भी पता है यार मौलवी साहब दिमाग में सेंटर में तो है ना हाँ